आज टीम गेट माई यूनिवर्सिटी विजिट कर रही है, कैंपस विजिट करुणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एंड दिस इज बेस्ड इन पलाक्काड एरिया ऑफ केरला स्टेट। तो ये कैंपस का एक आपको ब्रीफ व्यू हम देने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज हाउ मीटर्स टर्न लेफ्ट। सामने आप देख सकते हैं करुणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का सामने बोर्ड है, और ये एक फूड एंड रेस्टोरेंट है रॉयल फूड्स के नाम से, जस्ट आउटसाइड। सो वी गेटिंग इनसाइड द कैंपस। टर्न लेफ्ट, देन टर्न लेफ्ट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है लेफ्ट में आपको, यहाँ पे head north, then turn left, turn right, then turn left, turn left, then turn left. इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नया लग रहा है, ग्रीन कैंपस है, मेंटेन कैंपस लग रहा है, और देखिए एक राउंड अबाउट लेके हम आपको पूरा व्यू देने की कोशिश करते हैं। Your destination is on the right. Now we are heading towards the hospital area. This is casualty on the right. This one. This casualty building आप देख पा रहे हैं सारी, ये casualty building है hospital. पार्किंग एरिया है यहाँ पे आपका। करुणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एंड ये एक आउटर प्रीमाइस का हमने दिया, अभी हम लोग अंदर जाएंगे कैंपस में और कैंपस ओवरव्यू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेट माई यूनिवर्सिटी। इस वक्त गेट माई यूनिवर्सिटी टीम है करुणा मेडिकल कॉलेज, जो कि पलाक्काड में लोकेटेड है। इसके कैंपस में हम लोग आए हुए हैं, और हमने अभी एकेडमिक ब्लॉक के साथ साथ में हॉस्पिटल को भी विजिट किया। यहाँ पे हमने बच्चों से बातचीत की, जहाँ पे फाइनल ईयर के बच्चे से भी बातचीत हुई, फर्स्ट ईयर के भी बच्चों से बातचीत हुई। एक बहुत अच्छी बात ये है कि कॉलेज के अंदर में जो बच्चों का फीडबैक है एकेडमिक्स को लेकर के, उसमें कोई वैसा गैप नज़र नहीं आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है। रूरल एरिया में लोकेटेड है, तो जिसके वजह से पेशेंट्स का वॉकिंग्स भी ठीक है, बट हाँ अगर आप वार्ड्स में ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट बहुत कम दिख रहा है। मे बी ये एक दिन का स्टैट्स है, मे बी गोइंग फॉरवर्ड अगर हम एवरेज निकालेंगे, बट ओवरऑल जिस हिसाब से हम अलग अलग वार्ड्स में गए तो वहाँ पे ऑक्यूपेंसी हमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखी, एक्सेप्ट ओबीजी जनरल मेडिसिन के वार्ड को अगर छोड़ दें तो। अब आते हैं कॉलेज के कुछ अदर स्टैट्स के ऊपर में। जिस स्कोर रेंज में ये कॉलेज लोगों को एलोकेट हो रहा है, फी स्ट्रक्चर काफ़ी कम है, जिसके वजह से एक लो कॉस्ट में पढ़ने का ऑप्शन ज़रूर मिल रहा है। अब तक हमने केरल में जितने मेडिकल कॉलेज को कवर किया है, उनमें अगर हम इसकी पोजीशनिंग करें तो सर्टेनली दो तीन ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जिसके ऊपर में इसको हम पोजीशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अल अजहर मेडिकल कॉलेज, या फिर हम माउंट जियोन मेडिकल कॉलेज की अगर बात कर लें, अगर लो कॉस्ट में ही अगर हमें पढ़ने की का अगर ऑप्शन मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम उन सब कॉलेजेस से पहले इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। और बाकी अभी और भी कॉलेजेस हम लोग अभी कवर करने वाले हैं, बचे हुए हमारे चार कॉलेज अभी और हैं जिनको हम कवर करने के बाद में ओवरऑल आपको एक स्टैट्स बताएंगे कि कौन से कॉलेज की क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, किस कॉलेज को कंसीडर करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहन गेट माई यूनिवर्सिटी से। मैं थोड़ा कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट की बात, 2006 का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, 100 बेडेड हॉस्पिटल है। इसके अलावा जो एजुकेशन के बारे में बताया है, मैं पेशेंट का थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि रूरल एरिया है तो पेशेंट लोकल रूरल ही यहाँ पे आते हैं। जहाँ तक रूरल पेशेंट है तो थोड़ा नॉर्थ एरिया से जो बच्चे आते हैं उनके लैंग्वेज को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज अडॉप्ट करें, जो कि बहुत मुश्किल है, तो वो इशू है। फूड जहां तक है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा जो मेन रोड से इसका डिस्टेंस है लगभग 5 किलोमीटर है, तो टोटल एरिया जो है रूरल बेल्ट है ये। जहाँ तक कॉलेज की बात करें,
तो हमने पेशेंट फ्लो का हमने बताया कि पेशेंट फ्लो यहाँ पे एवरेज है। जहाँ तक नॉर्थ के स्टूडेंट की बात है तो हमने फाइनल ईयर स्टूडेंट से भी बात करी, हमने फर्स्ट ईयर भी स्टूडेंट से बात करी। तो फाइनल ईयर में जो बच्चे अभी हैं वो लगभग 8 है और लास्ट ईयर 2022 में जो बच्चे टोटल नॉर्थ इंडियन जो हैं वो 11 हैं जो आपको 2022 में है। तो मैं थोड़ा फीडबैक दे देता हूँ गेट माई यूनिवर्सिटी के टीम से। अगर आप नॉर्थ से हैं तो आपके पास इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर थोड़ा आप बजट को इंक्रीज करें। इसके अलावा अगर कम बजट में चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है जहां की एजुकेशन अच्छी है। जहां तक साउथ के लिए है तो साउथ के लिए अच्छी जगह है, वो आ सकते हैं और कम बजट में एजुकेशन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी जर्नी में आज हम लोग आए हैं करुणा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल में। आप लोगों को काफ़ी आइडिया लगी गया है अभी तक, आशीष जी और रोहन जी ने दे ही दिया है। एक दो पॉइंट्स मैं इसमें और एड ऑन करना चाहूँगा। दो कैंपस काफ़ी प्लीजिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी नया दिखता है, तो स्टूडेंट लाइफ बैलेंस ठीक लगा हमको यहाँ पे। ऑब्वियसली जो अप्रोच रोड है, जो हाईवे है, हाईवे से अराउंड 5 किलोमीटर्स का एक्सटेंशन है जहाँ अंदर आना पड़ता है आपको, तो इसीलिए थोड़ा सा कनेक्टिविटी का मुझे लगता है ब्रॉड कनेक्टिविटी नहीं है। बट येस, अगर मेन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ से आपका रेलवे स्टेशन जो है पलक्काड़ रेलवे स्टेशन, वो अराउंड 25 किलोमीटर्स पड़ता है आपका। और सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है आपका वो है कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अराउंड 65 किलोमीटर्स है। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो यू कैन कम टू कोयम्बटूर एयरपोर्ट और यहाँ से आप विद इन 1.5 आवर के या 2 आवर्स के मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन में आप अपने कॉलेज को ले सकते हैं, तो वो वाला एक मेजर इशू नहीं है। बाकी बच्चे हैं, मिक्स बच्चे हैं, नॉर्थ इंडियंस बच्चे भी इसमें हैं, सारे ईयर्स में हैं, और कॉलेज भी अपनी तरफ से अकोमोडेटिव है। स्पेशली पूछा गया था फूड को लेकर, तो बच्चों ने कहा कि कॉलेज हमें फैसिलिटेट करता है, तो वो मैनेजेबल है चीज़ें। सो ओवरऑल एक बैलेंस्ड एक्सपीरियंस है, और बाकी डिटेल एक्सपीरियंस के लिए डेफिनेटली। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये कैंपस होलसम कैंपस है। सो यू हैव हॉस्पिटल बिल्डिंग ओवर हेयर, यू हैव मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग ऑन माई राइट, देन यू हैव हॉस्टल ऑन द बैक, यू हैव कैफेटेरिया कैंटीन। तो एक सिंपल एक स्वीट कैंपस बोलूंगा, एक सिंपल कैंपस, और स्वीट कैंपस के अंदर आपकी सारी एमिनिटीज हैं, तो बच्चों को कोई मेजर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ओवरऑल एज आई से इट्स अ बैलेंस्ड कैंपस, एक ऑप्शन आपका है जो बजटरी अगर कंसिडरिंग में देखा जाए तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। और बाकी अब वील बी मूविंग टू अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, सो वी विल गाइड यू, वील टेक यू अलॉन्ग। एंड A lot of traveling has been happening. पिछले 8 दिन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 7-8 days, and moving forward we'll be moving to other colleges also. So stay connected with us, keep following our other videos also, and do like and subscribe and share our effort. And this is Anuj and this is Team Get My University signing off from Karuna Medical College and Hospital. Thank you guys, thank you very much. So friends, अभी Team Get My University Karuna Medical College को cover करके निकली है, and वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सिटी। ये है अप्रोच रोड जो कॉलेज को कनेक्ट करती है नेशनल हाईवे से, तो दिस विल गिव यू अ लिटिल बिट आइडिया कि किस तरह का यहाँ पे इंफ्रा है। ऑल दो आउटसाइड प्रीमाइसिस में, कॉलेज के प्रीमाइसिस में हमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं दिखी है, और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी और कुछ शॉप्स वगैरह भी मेजर नज़र नहीं आई हैं, तो गेट के बाहर सिंपल ये रोड शुरू हो जाती है। तो यस, तो पॉइंट यही है कि जो भी बच्चे हैं उनको अगर कुछ भी बेसिक रिक्वायरमेंट है या जाना होता है, सो दे हैव टू, यहाँ से बसेस चलती हैं और ऑटो रिक्शा चलते हैं, तो 5 किलोमीटर पे वो यहाँ से कनेक्ट करके वीकेंड्स पे अपना सारा ग्रॉसरी वगैरह सामान लेके आते हैं। और जो हमारा स्टूडेंट इंटरेक्शन वगैरह भी रहा, उसमें भी उनका कहना यही था कि जनरली तो वैसे टाइम मिलता नहीं, लेकिन जब मिलता है तो हमें सिटी पे जाना पड़ता है, और अगर और ज़्यादा कोई मेजर रिक्वायरमेंट है तो हम मेन सिटी पे भी चले जाते हैं, वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी होती है। लेकिन पर्सनली हमें अपना लगता है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कॉलेजेस का, और हमने ऐसे भी कॉलेजेस देखे हैं जहाँ कैंपस के बाहर भी बहुत अच्छी एक इकोसिस्टम है, इको लाइफ है, तो यहाँ पे करुणा मेडिकल कॉलेज में मैं बोलूंगा कि ये चीज आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस करने को मिलेगा। दैट इज वन पार्ट ऑफ योर पर्टिकुलर लाइफ साइकिल, बट ऑल दो एकेडमिक्स और एजुकेशन पे हम लोग काफी डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये एक अप्रोच रोड है अगेन जो हम जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, एंड टू गिव यू एन आइडिया। So thank you friends, and we'll move you to our next destination, which is PK Das Medical Institution, PK Das Medical College.
पलाकाड़ में ही है ये दूसरा मेडिकल कॉलेज, अराउंड 60 किलोमीटर फ्रॉम करुणा मेडिकल कॉलेज. सो सी यू देन एंड स्टे कनेक्टेड.